2024 की जंग में क्या नए विपक्ष की पसंद बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि लगातार कई विपक्षी दलों के नेता अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात हो रही है विपक्षी दलों के नेताओं की, वो कहीं ना कहीं उसके जो मायने हैं वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 14 फरवरी को बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। ये मुलाकात जो है कहा जा रहा था कि शिष्टाचार भेंट है, लेकिन इस मुलाकात में ये भी पता चला है कि दोनों के बीच कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा हुई है और इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए दी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सबको मिलकर देश बचाना है। तो तेजस्वी यादव ने जहां अपने ट्वीट में ये जिक्र किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उन्होंने किन किन विषयों पर चर्चा की, साथ ही साथ इस ट्वीट में ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव के बीच चर्चा हुई है और आखिर में जो उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर देश बचाना है, इसका मतलब ये है कि 2024 की जो लड़ाई है, जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जो स्ट्रैटेजी कही जा रही है, जो रणनीति कही जा रही है कि एक नया विपक्ष खड़ा हो रहा है, एक नया विपक्ष कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के इर्द गिर्द बनता हुआ नजर आ रहा है, उनके साथ एक नए विपक्ष की तस्वीर बनती हुई, उभरती हुई दिखने लगी है। इसके पीछे कई और वजह भी हैं। ये सिर्फ पहली बार नहीं है कि कोई विपक्षी दल का नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आया हो। इससे पहले भी आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पर ये नज़र आता है कि अब 2024 की लड़ाई के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति के तहत अलग अलग तरीके से मैदान में कूद रहे हैं और इन्हीं रणनीतियों में शायद एक रणनीति ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी अपने साथ लाया जाए। अरविंद केजरीवाल भी लगातार मिल रहे हैं। अब जो मुलाकात रही है पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के साथ बाकी विपक्षी दलों के नेताओं की, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 14 फरवरी को आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हुई। इससे पहले 7 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन सीएम केजरीवाल से उनके आवास मिलने पहुंचे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई शिक्षा नीति के प्रोजेक्ट्स के लॉन्च पर बुलाया। सितंबर 2022 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम केजरीवाल से मिलने दिल्ली आए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री केसीआर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खम्मम की महारैली में केजरीवाल को बुलाया। खम्मम की महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई नेता डी राजा शामिल हुए। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलने के लिए आ रहे विपक्ष के नेताओं की बात करें या फिर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री जब खम्मम पहुंचते हैं केसीआर की महारैली में और वहां पर विपक्ष के कई नेताओं के साथ वो हाथ पकड़कर मंच पर बदलाव का नारा लगाते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि 2024 की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो नया विपक्ष जिसको लेकर चर्चाएँ तेज़ हो रही हैं वो मजबूती के साथ अपनी जो ज़मीन है वो अब लेता हुआ दिखने लगा है और ये जो नया विपक्ष है उसमें अरविंद केजरीवाल सुर्खियों के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।